साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में 1-8 बार अपने माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी। माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, माँ मुझे ज्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। जिस जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा, अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई, सबको लगा माजी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया, माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहल कदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माजी आपको, यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मैं, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है, अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माजी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती है? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, कूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।